चाहता हूँ और तारीखें आ गई हैं। इन्हीं तारीखों का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी। पिछले 5 साल में इतना अन्याय कभी नहीं देखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हुआ है। डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे पीछे कर दिया और विकास ठप रहा। यहाँ के किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियों के झूठे प्रचार किए इन्होंने, विकास के झूठे विज्ञापन लगाए और इनका हर वादा जुमला निकला। जो संकल्प पत्र इन्होंने जनता के बीच में रखा था 2017 में, वो इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। इसलिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इनको इस बार हटाने का काम कर। उत्तर प्रदेश में ऐलान जंग होने के साथ ही अपना खोया हुआ गढ़ पाने के लिए इन्हीं शब्दों के साथ अखिलेश यादव होगा भर्ती। अखिलेश 22 का बदलाव और 22 में बाइसिकल किनारे के साथ विजय का काम करें। ये नौजवान जो बेकारी के कारण आंदोलन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सफेद टोपी वाले भी आ गए हैं। ये सफेद टोपी वाले बीएड वाले जानते होंगे, इनकी नौकरी का रास्ता समाजवादियों ने खोला था। समाजवादी सरकार होती तो इन लोगों को नौकरी मिल गई होती, ये मदद कर रहे होते। चाहे हमारे बीएड वाले हों, बीपीएड वाले हों, डीडी वाले हों, शिक्षा मित्र हों, चाहे 69,000 हो और चाहे नौजवानों को दौड़ लगवानी पड़े पुलिस की भर्ती के लिए, चाहे फौज की भर्ती के लिए, अगर विशेष चाहे अपने नौजवानों को दौड़ लगवानी पड़े, दौड़ दौड़ के ये वैसे ही बहुत मजबूत हो गए हैं। और जब से मैंने देखा है रथ चलते हुए, ये नौजवान हार नहीं माने रथ के साथ। ये तो डीजल से इंजन चलता है, ये तो डीजल वाला इंजन है, लेकिन हम नौजवानों के पास दम वाला इंजन है, दम वाला। ये दौड़ते नजर आए, चाहे हमें फौज में चाहे पुलिस में विशेष भर्ती निकाल करके इन नौजवानों को सेवा के लिए मौका देना पड़े तो हम लोग देने का काम करेंगे। इसलिए आप चाहे बीएड वाले हों, बीपीएड वाले हों, 69,000 वाले हों, बीटीसी वाले हों या टीटी वाले, सब लोग मदद करना। ये सरकार नौकरी देने वाली नहीं है। जो परीक्षा आती है या पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा दोबारा के रास्ते पे चली जाती है। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, अपनी माताओं बहनों का भी विशेष धन्यवाद देता हूँ, आए हुए सभी साथियों का। दूर दूर तक बाग में खड़े हैं वो चौकीदार भी खड़े हैं साइकिल के साथ, उनका भी धन्यवाद दे रहा हूँ। सभी आए हुए हमारे सभा में बुजुर्ग, नौजवान, किसान भाई, मजदूर, माताएं बहने और हर वर्ग के लोग आए, उनका बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब उत्तर